हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग केस कन्वर्जन को देखेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी गिवन स्ट्रिंग में अगर उसका अल्फाबेट अपर केस लेटर में हो तो उसे हम लोअर केस लेटर में कन्वर्ट करते हैं, और अगर कोई भी अल्फाबेट लोअर केस में प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग अपर केस से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एलिफेंट, जिसमें सारा अल्फाबेट अपर केस लेटर में दिया हुआ है, तो हमें आउटपुट में एलिफेंट ही प्रिंट करना है, पर सारा जो अल्फाबेट होगा उसे हम लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे आप देखिएगा यूनिवर्सिटी में यू अपर केस लेटर है और बाकी लोअर केस लेटर है, तो हमें आउटपुट में यू को लोअर केस लेटर में स्मॉल अल्फाबेट में लिखना है और बाकी को कैपिटल अल्फाबेट में कन्वर्ट कर देंगे। उसी तरह से हेलो वर्ल्ड भी, इसमें जो जो अपर केस होगा उसे लोअर केस में और जो जो लोअर केस होगा उसे अपर केस में कन्वर्ट करेंगे। तो इस केस कन्वर्जन को इस स्ट्रिंग के केस कन्वर्जन को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें स्ट्रिंग के फंक्शन को यूज़ करने के लिए एक स्ट्रिंग हेडर फाइल का यूज़ कर लेंगे, हैच इंक्लूड string.h। उसके बाद एक कैरेक्टर एरे डिफाइन कर लेंगे, जिसमें हम लोग स्ट्रिंग को इनपुट को रख सकते हैं, और यहाँ पे गेट फंक्शन का यूज करके हम यूजर से अपना इनपुट ले लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे जो किसी भी गिवन स्ट्रिंग को जो उसके जीरोथ इंडेक्स से उसके लास्ट इंडेक्स तक चले। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन स्ट्रिंग str लेंथ बराबर, जो कि जो फॉर लूप जीरोथ इंडेक्स से स्ट्रिंग लेंथ तक चलेगा, जिससे हम हर एक अल्फाबेट को बारी बारी से एक्सेस कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन डालेंगे कि अगर मेरा जो अल्फाबेट है, अगर मान लीजिए सबसे पहले जीरोथ इंडेक्स को हम लोग एक्सेस किए हैं, तो हम पहले चेक करेंगे कि क्या ये जो जीरोथ इंडेक्स पे अल्फाबेट प्रेजेंट है वो अपर केस है या लोअर केस है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या वो अपर केस लेटर है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे क्या ए आर आर ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, एंड एंड ए आर आर ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू जेड। तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि हम चेक कर रहे हैं कि क्या जो मेरा यहाँ पे जो फर्स्ट ये जीरोथ इंडेक्स है वो अपर केस लेटर है या नहीं, क्या वो कैपिटल ए से कैपिटल ए और कैपिटल जेड के बीच में लाई करता है। अगर वो बीच में लाई करता है तो हम लोग यहाँ पे उसको प्रिंट कर लेंगे, परसेंट सी ऑफ ए आर ऑफ आई +32। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे 32 का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि जब आप अपर केस और लोअर केस के आस्की वैल्यू को देखिएगा तो दोनों के बीच में 32 का गैप होता है। तो कोई भी सबसे पहले अपर केस लेटर आता है आस्की वैल्यू में, फिर लोअर केस आता है। तो अगर कोई भी इंडेक्स पे अल्फाबेट अपर केस लेटर का होगा, तो अगर हम उसमें 32 को ऐड कर लेंगे तो वो सेम अल्फाबेट और सेम अल्फाबेट लोअर केस लेटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे +32 का यूज़ किया है। अब इसी प्रकार से एक एल्स इफ कंडीशन है, हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या अगर वो अपर केस लेटर नहीं हुआ तो क्या वो लोअर केस लेटर है। ए आर ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड एंड ए आर ऑफ
आई लेस देन इक्वल टू जेड। तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल लेटर है कि नहीं वो चेक करें, अगर वो स्मॉल लेटर हुआ तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे सेम चीज परसेंट सी ऑफ ए आर आर एफ आई, और यहाँ पे हम लोग -32 करेंगे, क्योंकि अगर अगर यहाँ पे जैसे अगर जीरो इंडेक्स पे ई है तो कैपिटल ई को स्मॉल ई बनाने के लिए दोनों के बीच में 32 का गैप है, और सबसे पहले कैपिटल ई आता है तो उस गैप को मेंटेन करने के लिए हमें 32 ऐड करना पड़ेगा। पर उसी प्रकार से अगर हमें स्मॉल ई रहेगा, स्मॉल ई मिलेगा, तो उसके 32 इन आस्की वैल्यू में 32 अगर पीछे चलेंगे तो हमें सेम जगह पे कैपिटल ही मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे हमने 32 को माइनस कर लिया है। यहाँ पे एक और कंडीशन एल्स कंडीशन डाल देंगे कि अगर मेरा जो अल्फाबेट है ना ही अपर केस लेटर हो ना ही लोअर केस लेटर हो, मीन्स अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर हो तो उसके लिए हमें कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना है, उसे नॉर्मली ही हमें प्रिंट कर देना है जैसे वो है। तो परसेंट सी ए आर ऑफ आई सिंपली, जैसे कोई स्पेस हो, जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के बीच में एक स्पेस है, तो स्पेस को हमें कन्वर्ट नहीं करना है, स्पेस को वैसे ही हमें प्रिंट कर देना है। तो अब यहाँ पे हम लोग इस कोड को रन करके देखेंगे और तीनों इनपुट को बारी बारी से रन करके देखेंगे कि क्या इस कैपिटल एलिफेंट को स्मॉल लेटर एलिफेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, मेरा कोड कर रहा है कि नहीं, और यूनिवर्सिटी और हेलो वर्ल्ड सभी को। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने रन कर लिया है, यहाँ पे हम कैपिटल लेटर में एलिफेंट डालते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जी एलिफेंट जो हमने अपर केस लेटर में लिखा था वो एलिफेंट लोअर केस लेटर में हमें प्रिंट होकर के मिल गया है। अब दूसरा हम यूनिवर्सिटी के देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे कैपिटल लेटर में यू लिखा हुआ था वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गया, और बाकी जो स्मॉल लेटर में यू के बाद यूनिवर्सिटी लिखा हुआ था वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया। ये तो सिंगल स्ट्रिंग के लिए है, क्या हमें एक स्ट्रिंग में एक से ज़्यादा वर्ड होगा उसके लिए कन्वर्ट करता है कि नहीं, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि माई नेम इज एक्स वाई जेड, तो अगर हम इसे कर रहे हैं तो देखिए इसमें माई में एम कैपिटल था तो इसे स्मॉल कर दिया, जो जो यहाँ पे कैपिटल है उसे स्मॉल लेटर में, और जो जो स्मॉल लेटर है उसे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करके हमें दे रहा है। एक लास्ट टेस्ट केस हम लोग ले लेते हैं, एच ई एल एल ओ हेलो, और स्पेस डाल रहे हैं यहाँ पे डब्ल्यू ओ आर एल डी। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्मॉल लेटर है उसे कैपिटल में, जो कैपिटल है उसे स्मॉल में तो कर ही रहा है, पर जैसे कि यहाँ पे आप एक यहाँ पे हमने स्पेस दिया है जो कि एक स्पेशल कैरेक्टर है तो उसके साथ वो कुछ भी नहीं कर रहा है, उसके सेम वैसे ही प्रिंट कर दे रहा है। जो स्पेशल कैरेक्टर को लेकर के हम देख सकते हैं कि अगर हमने कोई लिखा है कि एक्स वाई जेड किसी का ईमेल आईडी एट द रेट जी एम ए आई एल डॉट कॉम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स वाई जेड सारा को स्मॉल से कैपिटल और कैपिटल से स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया, पर जो स्पेशल कैरेक्टर है उसे वैसे ही इसने छोड़ दी। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।